पासे गुरुद्वारा एक पासे दरगाह, किस तरह की इतिहास है, किस तरह ये बनिया, किवें इत्थे श्रद्धालु आउंदे ने? जगह एक ही है, मंजिल सारों की एक है जी। कोई भी हिंदू धर्म या सिखिज्म या मुस्लिम धर्म सब एक बराबर है जी, किसी में कोई भेदभाव नहीं है जी। तो जी आज से 40 साल पहले यहाँ पे एक नाला डल रहा था जी। तो जब जगह पटाई तो 10 फुट नीचे जाके बाबा 5 फीट सरकार की 5 मज़ारें निकली थी जी। तो तब उन्होंने, लोगों ने इतना विश्वास नहीं करा, तो उन्होंने कहा कि जगह को हम तोड़ देते हैं। जब मज़ारें तोड़ने शुरू करी उन्होंने, एक मज़दार ने कही चलाई तो मज़ार में से खून निकला, जब उस पर कही चलाई तो जिसने तोड़ने की कोशिश करी थी तो वो वहीं पे तड़प तड़प के मर गया। इस जगह में बहुत पावर है, बहुत लोग इधर आते हैं और अपनी दिल की मुरादें पाते हैं, काफ़ी इस जगह में ताकत है। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तुम देख रहे हो द सिटी हेडलाइंस, तो अज सिटी हेडलाइंस टीम तुहानू एक अजिहे पवित्र स्थान के दर्शन कराउन लैके आई आ। कहिंदे ने रस्ते जरूर लोगों के अलग ने पर मंजिल एक है जी। हाँ, यह जी एक वीडियो तुहाडे तक सांझी करांगे, एक ऐसे पवित्र स्थान के दर्शन करावांगे ते जिथे गुरु घर ते दरगाह इक्को ही जगह ते बनी हुई है। ते सब तो वड्डी गल की है इस दे विच कि इस दे अंदर एंटर करन दा गेट जिहड़ा वै ओह इक है। तो तस्वीर तुहानू एक बारी मैं दिखा दिंदा कि किवें इस पासे मेरे गुरु घर है। तो इत्थे श्रद्धालु नतमस्तक होंदे ने, आउंदे ने, ते उस तो बाद एक जिहड़ी वधिया भाईचारक सांझ दी गल करिए तां इधर पासे मेरे देख सकदे हो तुसीं दरगाह आ। इस दरगाह दे विच जिहड़े बहुत सारे श्रद्धालु नतमस्तक होंदे ने, तां लखां जिहड़ियां मुरादां ने उह पूरियां हुंदियां ने। जिहड़े भी श्रद्धालु आउंदे ने उह एक वधिया जिहड़ी सांझ ये जरूर कह के जाते हैं भी इस जगह पर आके सानू एक अजिही खुशी मिली है, अजिही बाकी गलबात असी कर लें। सेवादार भी है ने मेरे नाल, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। एक वधिया जिहड़ी सांझ की गल करिए, एक पासे गुरद्वारा एक पासे दरगाह, किस तरह की इतिहास है, किस तरह ये बनिया, किवें इत्थे श्रद्धालु आउंदे ने? देखो जी, जगह एक ही है, जैसे आपने बताया मंजिल सारों की एक है जी। कोई भी हिंदू धर्म या सिखिज्म या मुस्लिम धर्म सब एक बराबर है जी, किसी में कोई भेदभाव नहीं है जी। आपने हिस्ट्री की बात करी है जगह की, तो जी आज से 40 साल पहले यहाँ पे एक नाला डल रहा था जी। ये काफ़ी बड़ा नाला था, ये इतना बड़ा था कि एक पूरा ट्रक इसमें अंदर आ सकता था जी। तो ये जब ये नाला डल रहा था इस जगह से, जगह जब यहाँ पे आई, बीच में जगह आई, तो यहाँ पे जो आके जो इंजीनियर्स का था काम रुक गया था। इंजीनियर्स का काम रुका तो वो भी परेशान हो गए कि क्या करें। 3-4 दिन तक काम रुका रहा पर आगे नहीं गया। जेसीबी मशीन्स लगी हुई थी पर उन्होंने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने फिर मजदूरों से जगह पटानी शुरू करी कि देखें किस जगह के नीचे है क्या। तो जब जगह पटाई तो 10 फुट नीचे जाके बाबा 5 फीट सरकार की 5 मज़ारें निकली थी। 5 मज़ारें 10 फुट नीचे जगह के निकली थी। तो ये जब जगह निकली सारे देख के हैरान हो गए कि भाई यहाँ पे पीरों की जगह है। तो तब उन्होंने, लोगों ने इतना विश्वास नहीं करा, तो उन्होंने कहा कि जगह को हम तोड़ देते हैं, मज़ारे थी उनको हटा देते हैं। तो जी उन्होंने मज़दूरों को हुक्म दिया कि इस जगह को तोड़ दो, मज़ारों को शहीद कर दो। पर अल्लाह वालों की शान ही ऐसी होती है, जब मज़ारें तोड़ने शुरू करी उन्होंने, एक मज़दार ने कही चलाई तो मज़ार में से खून निकला, जब उस पर कही चलाई तो मज़ार से खून निकला और जो मज़दूर जिसने तोड़ने की कोशिश करी थी तो वो वहीं पे तड़प तड़प के मर गया। ये जी जो करामत है, जिंदा करामत जो है, ये हज़ारों लोगों ने अपनी आंखों से देखी हुई है। मैं आपको कोई भी अफवाह नहीं बता रहा, ये बहुत लोगों ने जगह देखी हुई है। उसके बाद जी जो इधर का मेन इंजीनियर था उसने नीचे उतर के माफ़ी मांगी सरकारों से कि हमें माफ़ करें, हमने आपकी जगह को छेड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद जो नाला जो बीच में से जा रहा था उनकी जगह के, उसको वहाँ से मोड़ दिया गया, उसको वहाँ से मोड़ दिया गया। उसके बाद वहाँ पे मिट्टी डाल के बाबा जी की यहाँ पे ऊपर समाध बनाई गई है, इसलिए 5 पीरों की जगह कहते हैं कि यहाँ नीचे से 5 मयारें निकली थी। इस जगह में बहुत पावर है, बहुत लोग इधर आते हैं और अपनी दिल की मुरादें पाते हैं, काफ़ी इस जगह में ताकत है।
कहाँ कहाँ से आते हैं श्रद्धालु? ये श्रद्धालु यहाँ से लुधियाना, नवा शहर, काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। कोई इधर फ़र्क नहीं किया जाता है, ठीक है, लंगर होता है, सब कुछ इधर किया जाता है। गुरुद्वारा और पीरों की जगह भी एक साथ बनी हुई है, यहाँ पे कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं, जितने भी भगत आते हैं, वो क्या पहले यहाँ दरगाह में मत्था टेक के उसके बाद फिर गुरु घर में मत्था टेक के, ऐसा होता है? देखिए, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है कि पहले पीरों की जगह पे मत्था टेकें या फिर गुरुद्वारे की। जिसको जो श्रद्धा है वो पहले गुरुद्वारे में भी टेक सकता है या बाबा जी के भी टेक सकता है, जगह एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, किन किन क्या क्या पवित्रता है, क्या क्या जगह यहाँ पे बनाई गई, किस चीज़? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, ये जो जो आप सामने देख रहे हैं ये बाबा जी की मेन मज़ार है। यहाँ पे क्या कहते हैं, बनाई गई है, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता कि कहाँ नीचे निकली थी, पर ये बाबा की मेन मज़ार है। जो उसकी रस्मात होती हैं, रस्में वगैरह होती हैं, वो इधर ही करी जाती हैं, और जो चादरें चढ़ती हैं वो भी ये इसी मज़ार पे चढ़ती है। और जो उधर आप देख सकते हैं, एक उधर भी एक जगह बनी हुई है, वो बाबा का भूरा साहब है। भूरा साहब आप जैसे समझते होंगे, जो इबादत का हुजरा होता है सरकारों का, जहाँ पर वो बैठ के इबादत करा करते थे, ये वो भूरा साहब बनाया हुआ है। यहाँ पे भी लोग मत्था टेकते हैं, पहले यहाँ पे मत्था टेक होता है, फिर इस जगह पे मत्था टेक होता है, उसके बाद हाजिरी कबूल होती है। अच्छा, यहाँ पर आकर बैठ के वो तपस्या करते हैं? हाँ जी, यहाँ पे उनकी तपस्या की जगह है। और ये बाबा जी का कुछ टाइम पहले ही विश्राम कक्ष बनवाया गया है, जैसे रात को विश्राम करवाना होता है तो ये विश्राम कक्ष बनाया हुआ है बाबा जी का। क्या क्या रूल है यहाँ के, क्या रेगुलेशन? देखिए, रूल्स रेगुलेशन तो इतने ही नहीं है, मतलब कि सुच्चम का काफ़ी ध्यान रखा जाता है यहाँ पे, क्योंकि पीरों फकीरों की जगह पे सुच्चम का, अदब का बहुत ध्यान रखा जाता है। हर वीरवार यहाँ पे बाबा जी की मज़ार को गुसल दिया जाता है, स्नान होता है, उसके बाद बाबे की खिदमत होती है, बाबे की रोज़ खिदमत होती है सुबह शाम, ठीक है। उसके बाद मेले पे भी काफ़ी रस्मात होती हैं, जैसे मेहंदी की रस्म होती है मेले के एक दिन पहले, उसके बाद उसके दिन झंडे की रस्म होती है, चादर की रस्म होती है, कुल शरीफ होता है, दुआएं होती हैं, उसके बाद जो है उर्स लग जाता है। कोई ऐसा चमत्कार आपने देखा हो यहाँ पे अपनी आंखों के सामने, एक आपने बता दिया, उसके बाद कोई ऐसा चमत्कार जिसको देखकर श्रद्धालुओं को भी लगा भी हाँ यहाँ हमें आना चाहिए? देखिए, जो मैंने जैसे आपको बताया कि जगह कोई पुरानी बात नहीं है, ये 1883 की बात है, 1983 की, तो वैसे यही मेन इधर की चमत्कार है कि ये जो जगह थी नीचे से निकली थी और जो बाबा के मज़ारे थे उनमें से खून निकला था, ये काफ़ी जिंदा करामत है इधर की, इस जगह की। बाकी आप और चमत्कार देख रहे हो, आप इधर आओ, आप कोई भी मुराद मांगो, सच्चे मन से मांगो, आपको ज़रूर इधर पूरी होगी, इधर की खासियत है जगह की। और भी बहुत सारे चमत्कार हैं, हमको बताने से मना है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम बता नहीं सकते आपको, महसूस किया जा सकता है उसको, महसूस किया जाता है, गुप्त चीज़ें हैं, पर वो हमको आम लोगों को बताना मना है। बहुत इधर चमत्कार हैं, आप इधर आओ, मुरादें आप कोई भी लेके आओ, सच्चे मन से अगर आपने इधर कोई भी मुराद मांगे ना, पूरी ज़रूर होगी। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो महसूस करते हैं कि यहाँ जो इबादत है फ़कीरों की उन्होंने की है, और यहाँ पे बहुत सारे चमत्कार और मुरादें पूरी होती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारी मुरादें पूरी होती हैं इधर, ठीक है। आप खुद चाहे आजमा के देख ले, आजमाई हुई चीज़ है, इस जगह पे बरकत भी बहुत है, किसी चीज़ की कमी नहीं है बाबा जी की कृपा से यहाँ पे। कहाँ पर है, अगर किसी ने आना हो यहाँ इस पवित्र स्थान के दर्शन करने? ये लुधियाना में छोटी हैबोवाल, पाँच पीर रोड, ये बाबा जी की जो जगह है उसी की वजह से पाँच पीर रोड, ये पूरी रोड का नाम पाँच पीर की वजह से बजता है, ठीक है। छोटी हैबोवाल, पाँच पीर रोड, डेयरी कॉम्प्लेक्स, आप सीधा रोड के अंदर आ जाइए, आपको ये थोड़ी दूर पर आते ही जगह मिल जाएगी। तो आपने पहले इधर पीरों की जगह देखी है, इधर गुरुद्वारा साहब भी बना हुआ है, इधर क्या कहते हैं, ये बाबा बुड्ढा साहिब जी का गुरुद्वारा बना हुआ है, बुड्ढा साहिब जी का, ठीक है, काफ़ी बड़ी ये जगह बनी हुई है। और इधर वाली साइड लंगर हॉल भी बना हुआ है, ठीक है। इस जगह की भी काफ़ी पवित्रता है, काफ़ी मानता है, इधर भी लोग काफ़ी आते हैं गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकते हैं, इधर भी लोग कोई सच्चे दिल से इधर मत्था टेकता है तो उनकी भी मुरादें पूरी होती हैं। जगह एक ही है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे भी अगर आके कोई सच्चे दिल से अपनी मुराद मांगेगा उसकी भी ज़रूर पूरी होती है। ये भी ऐतिहासिक गुरु घर है? हाँ जी, ये भी ऐतिहासिक गुरु घर ही है, ठीक है। यहाँ पे भी सवेरे शाम पाठ होता है। सो दर्शन कराए तो इस पवित्र स्थान पर जिथे
गुरु घर एक पासे है, दूजे पासे दरगाह है, पर जिहड़ा भी श्रद्धालु इत्थे आउंदा है दोनों पासे नतमस्तक होंदा है। तो ये बड़ी मिसाल जिहड़ी है वह लोगों ने भी कायम की, तो इत्थे आके हर एक नूं ये जरूर लगता है कि जिहड़ी गल्लां असीं सुणदे हाँ कि परमात्मा एक है, तो इत्थे पहुँच के इत्थे दर्शन करके इस जगह दे वाकई लगता है कि परमात्मा एक है। जिवें मैं पहलां भी कहा, मंजिल एक है, रस्ते भावें अलग अलग हो सकते हैं, तो इस पवित्र स्थान के दर्शन जरूर करो। मूहों मंगिया मुरादा जड़िया ने वो पाओ। कैमरामैन प्रिंस के नाल द सिटी हेडलाइंस जय कुमार।